समग्र शिक्षा सिंडिकेट तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 3 का नवा पाठ। मैं सिनेमा हूँ। पृष्ठ संख्या 45 से लेकर 51 तक। पाठ 9 मैं सिनेमा हूँ। पृष्ठ संख्या 46। प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो? मुझे नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ। मनोरंजन सबका करता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं? शाबाश, तुमने सही बताया, मैं सिनेमा हूँ। तुम सभी को मुझे देखना अच्छा लगता है ना? मुझे भी तुमसे मुलाकात करना अच्छा लगता है। छुट्टी के समय मुझे देखने के लिए उत्सुक रहते हो ना? मुझे भी तुम्हें आनंदित करना अच्छा लगता है। मेरा जन्म विदेश में हुआ, किंतु भारत में मुझे लाने का श्रेय मेरे पितामह दादा साहेब फाल्के को जाता है। सन 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के नाम से मुझे आपके सामने लाया। देश विदेश के समाचार पत्रों में मेरे लाडले दादा साहेब फाल्के की खूब प्रशंसा की गई। मेरी पृष्ठ संख्या 47। खुशी का ठिकाना ना रहा, उन्होंने मेरा भविष्य उज्जवल कर दिया। मेरी कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करे, किंतु मेरा निर्माता तो मनुष्य ही है। उसी ने मुझे निर्जीव से सजीव बनाया। कभी मैं मूक था तो उसने बोलने की क्षमता भर दी, रंग भर दिए, मेरे जीवन में बसंत भर दिया। मुझ में सभी भाव देखने को मिलते हैं। मुझ में हास्य है तो दुख भी है, मुझ में कल्पना है तो प्रेरणा भी है, किंतु मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान होता है। कहानीकार एक अच्छी कहानी लिखता है, निर्माता उस कहानी को खरीदता है। निर्माता मुझे बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। निर्माता अपने इस काम को पूरा करवाने के लिए निर्देशक की सहायता लेता है। वास्तव में मेरा केंद्र बिंदु तो निर्देशक ही है, वह मेरे निर्माण से जुड़े। पृष्ठ संख्या 48। सभी लोगों जैसे नायक नायिका पात्र संगीत निर्देशक कथाकार संवाद लेखक कैमरामैन आदि को एक सूत्र में बांधकर मुझे साकार रूप देता है। मुझे बनाने में हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। मुझसे उनकी जीविका चलती है। उनकी मेहनत पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। बच्चों, मेरी एक ही इच्छा है, वह है सबको खुश देखना। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों भी हैं। उसी तरह मेरे अच्छे और बुरे दोनों रूप हैं। मेरा निवेदन है कि
मेरी अच्छाई को स्वीकार करो, मुझे सिनेमा घरों में ही देखो। आजकल कुछ लोग मेरा पायरेटेड चोरी की हुई फिल्म रूप दिखा रहे हैं। मुझे इस तरह से बिल्कुल ना देखो। इस तरह देखना या दिखाना दोनों कानूनन अपराध है, इसलिए पायरेटेड चोरी की हुई सीडी ना तो खरीदो और ना ही बेचो। बच्चों, तुम मुझे उतना ही देखो जितने से तुम्हें आनंद मिले। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगे। पायरेटेड फिल्म देखना और दिखाना दोनों कानूनन अपराध है, इसे बढ़ावा न दें।